Hello, good morning friends. Today we are going to discuss about the fitting of a exponential and logarithm curve. Last lecture में यही topic हमने पढ़ा था fitting of a exponential and logarithm. पर difference यहाँ पर ये है कि हम जो example यहाँ पर देख रहे हैं fitting curve of the form y is equal to ax raised to b. Last जो भी हमने वो पढ़ाता था a b raised to x. Difference यहाँ पर है कि ax raised to b और a b raised to x. इंट्रोडक्शन में इसके मैंने समझाया था कि आप तीन टाइप के कर्व यहाँ पर फाइंड करोगे. फर्स्ट जो हमने किया था ए बी रेस टू एक्स, सेकेंड जो है ए एक्स रेस टू बी. मैथड सबकी सेम ही है, सिर्फ कर्व में डिफरेंस है. टू दी फॉलोइंग डेटा, एक्स और वाई डेटा दिया है. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जो पढ़ा था ए बी रेस टू एक्स, एक्स और वाई डेटा गिवन था, वहां पर हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का यूज करना और इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो वहां पर हमने जो इंट्रोडक्शन में देखा था कि ए बी रेस टू एक्स को कैसे सॉल्व करते थे, तो पहले तो बोथ साइड टेकिंग लॉगरिथम, लॉगरिथम अप्लाई करना है पहले. लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद सपोजिशन लेनी है वहां पर, जो स्मॉल में था उसको हम कैपिटल में सपोजिशन लेते थे. एक्स और वाई जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता था. वहां पर भी स्पेसिफाई किया था ए एक्स रेस टू बी हो या ए बी रेस टू एक्स हो, वहां पर इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का ही मिलेगा. अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया फिर उसमें नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करो. नॉर्मल इक्वेशन जो मिल रहे वहां पर ए और बी, इन शॉर्ट हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी. तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन मिल गए, ए बी हमने फाइंड कर लिया. ए बी कॉन्स्टेंट जो फाइंड कर रहे हैं वो वापस कर्व में पुट करना है. यही सिंपल मेथड है. तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. फर्स्ट y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, जो हमें कर्व दिया गया है. सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी. अब क्या करना है, बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करना है. टेकिंग logarithm on both the side. तो फर्स्ट यहां पर y है, क्या होगा log y base, यहां पर base कुछ भी नहीं है इसलिए e consider होगा, is equal to log ax raised to b. इसको क्या लिख सकते हैं, multiplication में है तो addition में लिख सकते हैं log a प्लस बी. यहाँ पर बेस ई है, बी अगर लॉग अप्लाई करते हैं तो बी आ गया जाएगा बी लॉग एक्स बेस ई, मतलब कि लॉग वाई बेस ई इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई प्लस बी टू लॉग एक्स बेस ई. अब यहाँ पर हम सपोजिशन लेते थे, जो स्मॉल है उसकी जगह क्या होगा कैपिटल, जिससे हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है बी वो इजी हो जाएगी, क्योंकि जो टेबल में दिया है वो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई है और यहाँ पर लॉग वाई और उसकी वैल्यू दी गई है, इसीलिए हम उसको पहले कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो पुटिंग लॉग वाई बेस ई इज इक्वल टू कैपिटल वाई, एंड ए है स्मॉल है इज इक्वल टू कैपिटल ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, एंड लास्ट लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल. तो यहाँ पर हमने सपोजिशन ली क्योंकि हमें जो ये कॉन्स्टेंट ए भी फाइंड करना है, तो उससे मल्टीप्लीकेशन में बाजू में जो भी वैल्यू दी गई है मल्टीप्लीकेशन में वो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी सपोजिशन लेना जरूरी है. अब सपोजिशन ली है, मेथड सेम है जो हमने ए बी रेस टू एक्स में फाइंड किया था. अब लॉग वाई ये इक्वेशन वापस यहाँ पर पुट करो वैल्यू, लॉग वाई बेस इज इक्वल टू कैपिटल वाई, देयरफॉर कैपिटल वाई इज इक्वल टू log a base e is equal to capital A. तो यहाँ पर log a base e capital A plus b is equal to capital B, small b is equal to capital B, log x base e is equal to capital X, y is equal to a plus b x. तो ये वापस किसका इक्वेशन बन गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. तो इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगे, तो नॉर्मल इक्वेशन आर नॉर्मल इक्वेशन समेशन से मल्टीप्लाई करो, समेशन कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है तो समेशन नहीं आएगा उसकी जगह क्या होगा एन इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स.
साथ यही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल, अब एन की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ए अब समेशन मल्टीप्लाई कर रहा है तो एन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, ये बन गए हमारे नॉर्मल इक्वेशन। अब ये चीज है कि यहाँ पर सारी वैल्यूज कैपिटल में दी गई है, हमारे पास जो डेटा है वो स्मॉल में है, तो हमने जो सपोजिशन लिया है वो वैल्यूज वहां पर हम पुट करते हैं। फर्स्ट एक्स और वाई लेको, एन इज इक्वल टू क्या है, हियर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5, नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, एन इज इक्वल टू 5। अब टेबल बनाते हैं एक्स और वाई, फर्स्ट एक्स 20, 16, 10, 11 and 40 एंड वाई जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 22, 41, 120, 89 and last 56। ये जो वैल्यू थी एक्स वाई टेबल में गिवन था जो स्मॉल एक्स वाई था, अब यहां से शुरुआत करते हैं जो नॉर्मल इक्वेशन है वहां पर क्या क्या वैल्यू चाहिए, फर्स्ट समेशन वाई, पर ये जो वाई है वो कैपिटल वाई, तो पहले तो हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो क्या होगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स इज इक्वल यहाँ पर आपने जो सपोजिशन लिया है वहां पर हम चेक करते हैं, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी, मतलब कि स्मॉल एक्स के आगे हमें लॉग अप्लाई करना है। अब लॉग कैसे मैं लॉग अप्लाई करूंगी कि एल एन, ये हर बार डिफरेंस समझाया है कि अगर बेस ई है तो वहां पर क्या होगा कैलसी में एल एन कंसिडर करना है, और अगर बेस 10 दिया जाता है तो कैलसी में लॉग अप्लाई करना है, तो अब यहाँ पर क्या होगा एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है। लास्ट जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था वहां पर सिर्फ वाई में हमें फाइंड किया था क्योंकि वाई लॉग वाई बेस इज इक्वल टू कैपिटल वाई था, तो यहाँ पर तो हमें एक्स और वाई दोनों में एल एन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसकी सपोजिशन वही है, वहां पर तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स था, यहाँ पर स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, तो यहाँ पर वैल्यूज हम अप्लाई करते हैं पर एल एन अप्लाई करने के बाद, तो फर्स्ट एल एन ट्वेंटी उसका आंसर मिल रहा है 2.9957। ये कैलसी में आपको चेक करते रहना है एल एन ट्वेंटी की वैल्यू क्या है, 4 decimal तक ही कंसिडर करना है, पॉइंट के पीछे कितने भी आपको डिजिट दिए जाए। देन एल एन 16, 2.7726। देन नेक्स्ट एल एन 10, 2.3026। नेक्स्ट एल एन 11, 2.3979। एंड लास्ट एल एन 40, 2.6391। ऐसे ही हम कैपिटल वाई फाइंड करते हैं, कैपिटल वाई सेम चीज यहाँ पर लॉग वाई बेस इज इक्वल टू कैपिटल वाई है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा एल एन 22, 3.0910। द नेक्स्ट एल एन 41, 3.7136। द नेक्स्ट एल एन 120, 4.7875। नेक्स्ट एल एन 89, 4.4886। एंड लास्ट एल एन 56, 4.0254। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर, नेक्स्ट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, अब यहाँ पर हमने समीशन वाई मतलब कि जो कैपिटल वाई फाइंड किया है उसका समीशन फाइंड करना है, एन इंटू ए कॉन्स्टेंट है, एन मतलब कि नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हमें यहाँ पर दिए 5, बी कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटू समीशन एक्स मतलब कि ये जो कैपिटल एक्स फाइंड किया उसका समीशन फाइंड करना है, देन समीशन एक्स इंटू वाई मतलब कि कैपिटल एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है, नेक्स्ट समीशन एक्स एन प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर मतलब कि दो चीज बाकी, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है और कैपिटल एक्स स्क्वायर मतलब कि ये जो
जो x है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है. तो फर्स्ट वो फाइंड कर लेते हैं x स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करना है 2.9957, का स्क्वायर करो तो 8.9742. सेकेंड 2.7726, 7.6873. नेक्स्ट 2.3026, 5.3019. 2.3979, 5.7499. 2.6391, 6.9648. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे डिजिट जो है 4 डेसिमल तक ही हमने कंसीडर की है, उससे ज्यादा हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिट कितने भी हमें मिल सकते हैं. तो सभी जगह पर सिर्फ आपको पॉइंट पीछे 4 डेसिमल ही कंसीडर करना है. लास्ट बाकी है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. फर्स्ट वैल्यू 9.2597, सेकेंड वैल्यू मिल रही है 10.2963, थर्ड 11.0237, फोर 10.7632 एंड लास्ट 10.6234. अब क्या करना है, सबका समेशन कर दो. x और y की जरूरत नहीं है तो इसका समेशन नहीं भी करोगे तो ठीक चलेगा. फर्स्ट समेशन कैपिटल x इज इक्वल टू, समेशन कैपिटल x कितना मिलेगा हमें, 13.1079. सेकेंड समेशन y इज इक्वल टू 20.1061. थर्ड समेशन x स्क्वायर 34.6781 एंड लास्ट जो है समेशन x y इज इक्वल टू 51.966. अब ये सारी वैल्यूज जो मैंने कैलकुलेट की है वो कैलसी के अलावा आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर आपको कैलसी का यूज करना ही पड़ेगा. क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन है, हाँ आप ओरली कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास बहुत सारा टाइम चाहिए, जो एग्जाम में इतना सारा टाइम आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कैलसी का यूज करना इम्पोर्टेंट है. अब ये सारी वैल्यूज मिल गई हमें एक्स वाई जो हमें टेबल में चाहिए थी. तो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं. कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, जो नॉर्मल इक्वेशंस है वहां पर. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. समेशन वाई, समेशन वाई 20.1061 is equal to n into a, n number of intervals, 5 into capital A constant as it is, plus b into summation x, plus b constant into summation x, 13.1079 into b, then summation x into y, summation x I can write 51.966. is equal to, next a into summation x, summation x 13.1079 into a, plus b into summation x square, summation x square 34.6781 into b. ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इसको इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल a और कैपिटल, तो इसके लिए मुझे इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर करने के लिए दोनों में से किसी भी वैल्यू को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा. हर मेथड में जितने भी हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, हर एक मेथड में ये कंपेयर करना आ ही रहा है कि कंपेयर करना, मैंने हर एक एग्जांपल में सिखाया कि कैसे हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर मैं 5 / 13.1079 करूँ तो 2 point something कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब कि 2 point में आ रहा है. तो इससे अलावा तो हम ये करें कि 5
y को 13.1079 से मल्टीप्लाई कर दे और 13.1079 को 5 से, ये इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.1079 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इक्वेशन 4 बाय 5। अगर ये डिजिट हम कंसीडर करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें 34.6781 तो वैल्यूज लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम जो इजी वैल्यू है उसी का यूज कर रहे हैं बाय 5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो वैल्यू मिल रही है 51.9663 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 59.8315 इज इक्वल टू 65.53958 ये वैल्यू तो सेम मिलेगी क्योंकि हमें कैंसिल करनी है, प्लस 34.6781 मल्टीप्लाई 5 173.3905 इंटू 3। अब कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर प्लस और माइनस, मतलब कि ये दोनों प्लस है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब इन दोनों का माइनस करते हैं 63.5487 - 259.8315 3.71732 = 1.5735 × 3। तो इसके ऊपर से हम b की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें से b को सब्जेक्ट बना दे तो ये डिविजन में चला जाएगा, तो यहां पर ये इक्वेशन की जरूरत नहीं है। बी की वैल्यूज मतलब इक्वेशन 3 और 4 यहां पर हमने लिख दिया है, अब बी की वैल्यूज जो हमें फाइंड करनी थी therefore b is equal to, हाँ यहां पर माइनस है मतलब कि आंसर माइनस में आएगा, यहां पर भी माइनस नहीं है तो 3.7172 डिवाइड बाय साइड माइनस 1.5735 therefore b is equal to b की वैल्यू मिल रही है -2.3624 मतलब कि यहां पर अब हमें b की वैल्यू मिल गई है, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए 3 और 4 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करते तो a मिल जाएगा हमें यहां पर, तो पुट दिस वैल्यू एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 क्या है 20.1061 = 5a, कॉन्स्टेंट है जो अभी तक हमें नहीं मिला है 5a एज इट इज, प्लस 13.1079 × b, b की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की -2.3624 = 20.1061 = 5a, प्लस इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है माइनस का आंसर माइनस में मिल रहा है 30.9661, ये माइनस में है इक्वल टू बी साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20.1061 + 30.9661 = 5a, therefore 51.0722
point A is equal to 51.07 double 2 divided by 5. A is equal to 10.2145. तो अब यहाँ पर A और कैपिटल B की वैल्यू हमें मिल रही है. क्या मिल रहा है? कैपिटल A 10.2145 एंड कैपिटल B -2.3624. अब इसके ऊपर सर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? स्मॉल a और स्मॉल b, क्योंकि हमें कर्व क्या है हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, वहां पर हमें वैल्यूज पुट करनी है. तो इसकी जरूरत नहीं है, दूसरी और वैल्यू क्या है? कैपिटल a इज इक्वल टू क्या, क्योंकि हमें स्मॉल a की जरूरत है, लॉग a बेस e. तो लॉग a बेस e इज इक्वल टू कैपिटल a. लॉग a बेस e इज इक्वल टू कैपिटल e की वैल्यू है 10.2145. तो यहां से लॉग हटाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? एक्सपोनेंशियल क्या? तो e रेस टू लॉग a बेस e इज इक्वल टू e रेस टू 10.2145. तो लॉग e रेस टू लॉग बेस e बन जाएगा, तो बचेगा कैंसिल होके a. a इज इक्वल टू e रेस टू 10.2145. उसका आंसर मिल रहा है हमें a इज इक्वल टू 27,298.8539. मतलब कि यहाँ पर पहले भी फाइव डिजिट मिल रहा है, वैसे ही पॉइंट पीछे से फॉर्मेट फोर डेसिमल ई कंसीडर करना है, तो इसका आंसर में ये मिल रहा है. ए का आंसर मिला मतलब कि स्मॉल है, वैसे ही हमें किसका आंसर फाइंड करना है? स्मॉल बी. तो स्मॉल बी इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल बी. वो तो इजी नहीं लिख सकते. स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -2.3624. तो इजीली यहां से हम लिख सकते हैं. तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी. एक्स हमें कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं है, तो लास्ट आंसर हमारा क्या होगा? हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी. ए की वैल्यू है स्मॉल है 27,298.8539 into x raise to b. x as it is raise to b. b की वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है -2.3624. ये हमें लास्ट कर्व जो हमें फाइंड करना था उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया. मतलब कि ये y is equal to a raised to b. लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने फाइंड किया था वो y a raised to a b raised to x हमने फाइंड किया था, वैसे ही a x raised to b हमने फाइंड किया है. सेम मेथड है, पहले लॉगरिथम अप्लाई करना है और लास्ट में उसका एक्सपोनेंशियल. जो भी इक्वेशन है बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करो, लॉगरिथम के बाद वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, उसके नॉर्मल इक्वेशंस देखो. नॉर्मल इक्वेशंस में जो जो वैल्यू चाहिए उसके लिए टेबल क्रिएट करो और उसके ऊपर से कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलेगा और वहां पर हम एक्सपोनेंशियल का यूज करेंगे तो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू मिल जाएगी. इन शॉर्ट आगे मेथड जो आपने फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में जो हमने फाइंड किया था फिट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर जो मेथड थी सेम प्रोसीजर ही है, सिर्फ ऊपर हमें सिर्फ लॉगरिथम का अप्लाई करना है. आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.